सुधीर ड्राइवर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। प्रिंस में हैदराबाद में खड़े थे तो सुपरवाइजर जी को फ़ोन किया कि हाँ मेरे को कुछ लोडिंग उडिंग दिलाइए, इधर खड़े हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं रुको मैं प्रोग्राम बताता हूँ। तो उन्होंने फिर बोले कि हैदराबाद में ओपल जगह का नाम है, वहाँ चले जाओ, लोडिंग है तुम्हारे को। तो फ्रेंड्स मैं क्या किया ना, वहाँ चले गए तो देख रहा हूँ वहाँ बगल में स्टेडियम है और स्टेडियम के जस्ट बगल में मेरी कंपनी है, वहीं से लोडिंग हो गया। तो फ्रेंड्स लोड होने के बाद पता शाम को जब पेपर मिला तो पता चला ये तो कलकत्ता का माल है। तो फ्रेंड्स मैं कलकत्ता आ गया। कलकत्ता करके कलकत्ता जब पहुंचे तो वहाँ पे धूलागढ़ के जगह का नाम था। तो धूलागढ़ में क्या है फ्रेंड्स, धूलागढ़ में खाली करना था। तो फ्रेंड्स तो मैं आया धूलागढ़ में, ऑलरेडी धूलागढ़ में गाड़ी को फाइजर कंपनी में खाली कर दिया। खाली करके क्या है ना फ्रेंड्स, वहाँ से डायरेक्ट आ गए दानकुनी। दानकुनी में क्या है ना बर्मा पार्किंग है। बर्मा पार्किंग के अंदर में क्या है ना, बड़ी गाड़ी का पार्किंग तो नहीं है, छोटी गाड़ी है, 6 चक्का गाड़ी लगा सकते हैं। तो उसी में क्या है ना, मेरा सेट को थोड़ा पहचान होने की वजह से उसमें मेरी गाड़ी लग गई। तो फ्रेंड्स मैं इसी के अंदर खड़े थे। तो फ्रेंड्स मैं सुबह उठ के देख रहा हूँ कि यहाँ मतलब देख रहे हैं आदमी पैदल वाले लोग घूमने आ रहे हैं, और प्लस में क्या है ना वो पैदल वाले भाई हाथ में पर्स लेके बेच रहे हैं, बेल्ट लेके बेच रहे हैं। फिर थोड़ा देर बाद देख रहे हैं बैग वाला आ रहे हैं, थोड़ा देर में देख रहे हैं टी शर्ट वाले आ रहे हैं, थोड़ा देर में देख रहे हैं गमछे वाले आ रहे हैं, थोड़ा देर में देख रहे हैं वो चप्पल जूता सीने वाले सब लोग मतलब पार्किंग के अंदर घूम रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या है ना, मेरे को बैग वाले आए तो मेरे को बैग बहुत अच्छा लग गया, बहुत फर्स्ट क्लास लग गया। तो मैं सोचा बैग ले लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक बैग था ही। लेकिन फ्रेंड्स क्या है ना, उतना दूर से वो लोग बेचने आते हम लोग के भरोसे कि चलो कुछ कुछ ड्राइवर भाई लोग सामान लेगा बोल के इतना दूर से आते बेचने के लिए। तो मेरे को और बैग भी मुझे बहुत पसंद पड़ गया तो मैं भी सोचा चलो ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अभी आप लोग को बैग दिखाता हूँ कौन सा बैग लिया। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये मैं बैग लिया हूँ, बहुत मस्त है, फर्स्ट क्लास में मात्र 250 रुपये में बैग दिया है। आप लोग भी बहुत खुश होगा, ये बैग देखेगा तो बहुत सुंदर है। देखिए फ्रेंड्स चार खंड है, एक चैन, दो चैन, तीन चैन, एक चार चैन, टोटल चार चैन दिया, चार को खंड है। इसमें आराम से चार चार जगह सामान रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगा बैग। और देखिए एचपी का ये भी मार कर रखा है, बहुत मस्त है, बहुत खुशी होती। मैं फ्रेंड्स ये बैग देखकर मात्र 250 रुपये में दिया है। और फ्रेंड्स जो टी शर्ट लिया अभी आप लोग को दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये देखिए ये टी शर्ट है, ये मात्र 250 रुपये, सॉरी 250 रुपये, मात्र 120 रुपये में एगो एगो टी शर्ट दिया है। देखिए कितना मस्त टी शर्ट है, देखिए मस्त कितना सुंदर, एक टी शर्ट के मात्र 120 रुपया लिया है। और एक ये ब्लैक कलर के लिया हूँ, ये ब्लैक कलर का लिया हूँ, मात्र 120 रुपया में भी दे दिया है। और फ्रेंड्स एक और टी शर्ट लिया हुआ है, देखिए ब्लू कलर का, एक कॉलर वाला है, ये ऐसा कॉलर वाला, ये ब्लू कलर का है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख कॉलर वाला है, तीन बटन इसमें दिया है, ये भी बहुत मस्त है, मात्र 120 रुपये में टी शर्ट है। और फ्रेंड्स क्या है ना, देखिए गमछा भी था तो गमछा भी ले लिया, क्या है ना फ्रेंड्स नहाते वहाते थोड़ा माथा वाथा पोछने के लिए अच्छा रहता है। तो ये भी मात्र 50 रुपये में इतना लंबा गमछा दे दिया, देखिए काफी लंबा गमछा है, अब वो भी सूती है, मात्र 50 रुपये में भी गमछा दे दिया है। और फ्रेंड्स क्या है ना, इधर थोड़ा सा ना हल्का सा ठंडी लगती है, इधर ठंडी लगने की वजह से क्या है ना, ये देखिए एक कम्बल लिया हूँ, मात्र भी 400 रुपये का कम्बल है, बहुत मस्त है, मखमल के जैसा है, बहुत खुशी दे, एक कम्बल ओढ़ के होता है थोड़ा पे ओढ़ने से ठंडा उतना महसूस नहीं होती, बहुत खुशी होती। मात्र ये कितने का है, मात्र ये 400 रुपये का है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स यह हमें बहुत खुशी हुआ है फ्रेंड्स, ये क्या है ना पार्किंग में बड़ा गाड़ी तो नहीं लगा सकते, लेकिन छोटी छोटी गाड़ी लगा सकते हैं, और बड़ा गाड़ी बिल्कुल नहीं लगा सकते, यहाँ पे लगाने ही मना है।